हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिक मेट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी को डायस्टोलिक कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं, बिकॉज देयर इज डिस्टर्बेंस इन द डायस्टली ऑफ द वेंट्रिकल। और इसको दूसरा नाम जो है एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास पूरा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हाइपरट्रॉफी हो रही है, लेकिन जो सेप्टम है उसमें आपके पास मोर प्रोमिनेंट होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होती है, इसलिए इसको एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको एक और नाम भी कहते हैं, इडियोफेटिक सब हाइपरट्रॉफिक सब एओर्टिक स्टीनोसिस। जो एओर्टिक वेल्व है उससे बिलो जो सब एओर्टिक एरिया है वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाती है और वो एरिया जो है स्टीनोटिक बन जाता है, आउटफ्लो ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है, तो इसलिए इसको इडियोफेटिक हाइपरट्रॉफिक सब एओर्टिक स्टीनोसिस भी कहते। तो ये चारों नाम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास ये डिज़ीज़ जो है बहुत कॉमन है और इसमें हमारे पास सडन कार्डियक डेथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी से रिलेटेड याद रखना है वो आपके पास है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन यंग एथलीट्स। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास लेफ्ट, पहले पैथोफिजियोलॉजी करते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब यहाँ पर देखें कि इतना हमारे पास सेप्टा जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हुई, तो जब आपके पास आपका वेंट्रिकल सिस्टली करेगा और वो कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा तो ये एरिया जो है ये आपके पास फॉरवर्ड आ जाता है और ये जो पहले लेट सपोज इसने 50% ऑब्स्ट्रक्ट किया था, अब ड्यूरिंग सिस्टली जो है ये आपके पास 70% या 80% ऑब्स्ट्रक्शन काज कर लेता है क्योंकि ये फ्रंट पर आ जाता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। दूसरा आपके पास डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है क्योंकि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल उसका ल्यूमिन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए आपके पास प्रीलोड जो है वो भी आपके पास डिक्रीज हो जाता है। और इन पेशेंट में आपके पास माइट्रल रीगर्जिटेशन भी होती है। माइट्रल रीगर्जिटेशन क्यों होगा, जब आपके पास सिस्टली होती है तो माइट्रल वेल्व का जो इंटीरियर लीफलेट है वो इंटीरियर साइड पर मूव कर देता है। और दूसरा आपके पास के इस हाइपरट्रॉफी जो सेप्टल एरिया है इसकी वजह से आपके पास जो पपिलरी मसल है वो डिस्प्लेस हो सकता है या वो डिस्प्लेस हो भी जाता है, तो उसकी वजह से आपके पास माइट्रल रीगर्जिटेशन भी होता है। सो यंग एथलीट्स में हमारे पास सडन कार्डियक डेथ की कॉज क्यों है, क्योंकि आपके पास जब भी एक्सरसाइज हो तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, उसके साथ हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आपके पास फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके पास एक तो आउटफ्लो जो है बहुत कम हो जाती है, दूसरा आपके पास जितना ब्लड कम ब्लड जा रहा है वो सारा का सारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, तो आपके पास जो रूट ऑफ एओर्टा में कोरोनरी आर्टरीज है वहाँ पर आपके पास ब्लड बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उसकी वजह से आपके पास ये पेशेंट जो है सडन कार्डियक डेथ इनमें कॉमन है। दिस कंडीशन इज एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल डेट काज डिक्रीज कंप्लाइंस अफेक्टिंग डायस्टोलिक फंक्शन। रिमेंबर के हमारे पास इससे पहले जो हमने किया था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वो हमारे पास सिस्टोलिक डिसफंक्शन था, ये हमारे पास है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। इसकी जो काजेज है 50% से ज़्यादा जो है वो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है। अब हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि इनमें हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशंस होते हैं और ये आपके पास करेक्टराइज बाय हाई पेनेट्रेंस एंड वेरिएबल एक्सपेरेंस। हाई पेनेट्रेंस का मतलब ये है कि ये आपके पास फैमिली में पेरेंट्स से जो है चिल्ड्रन ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा आपके पास वेरिएबल एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक फैमिली के एक बंदे में जो है सिवियरली डिजीज प्रेजेंट करेगा, दूसरे में जो है मॉडरेट करेगा, तीसरे में माइंड प्रेजेंट करेगा, तो इसके वेरिएबल एक्सप्रेशंस होते हैं। इसके साथ साथ इसके जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉजेज़ है उसमें आपके पास है मोस्ट कॉमन जो है वो है आपके पास बीटा मायोसिन हैवी चेन म्यूटेशन। इसमें आपके पास मोस्टली जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है वो इसकी वजह से होती है। इसके अलावा दो और भी म्यूटेशन हो सकते हैं, ट्रोपोनिन जो है वो भी आपके पास म्यूटेट हो सकता है और मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी इसमें भी म्यूटेशन हो जाता है। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे पास एबनॉर्मल जो वॉल है उसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके पास हाइपरट्रॉफी हो जाती है, लेकिन जो सेप्टल एरिया है वो आपके पास मोर देन 3 times जो है वो ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग जो आपका ल्यूमेन है
लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो इसीलिए आपके पास ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बन जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है द मसल हाइपरट्रॉफी इज ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन ऑन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन द कार्डियक मसल फाइबर्स आर हाइपरट्रॉफिड एंड डिसअरे। ये डिसअरे आपने याद रखना है, ये डिसअरे आपके पास HOCM में माइक्रोस्कोपिकली मोस्ट कॉमन है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर आपके पास, व्हेन वेयर इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स आपके पास क्या होंगे, एक्सर्शनल डिस्पनिया होगा इस पेशेंट्स को, और इसके साथ साथ एक्सर्शनल चेस्ट पेन होगा। नॉर्मली मे बी एड्रेस जो है वेरिएबल्स एक्सप्रेशन होते हैं डिजीज़ के, तो नॉर्मली जो है मे बी कोई मसला ना हो, लेकिन जब एक्सर्शनल कास्ट करेंगे तो उस कंडीशन में फिर सिम्टम जो है वर्स हो जाते हैं। पल्पिटेशन होंगी, सिनकोपी, और एट द एंड जो है आपके पास सिवेयर होगा, तो सडन कार्डियक डेथ जो है इसका लास्ट पॉइंट है। इसके साथ मेन साइन जो है आपके पास यहाँ पर कौन कौन से, एक आपके पास है डबल एपिकल पल्सेशन, आपके पास जो पल्पेबल फोर्थ हार्ट साउंड और पेन सिस्टोलिक मर्मर होगा आपके पास, ये आपको मोस्ट कॉमनली मिलेगा हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, और ये आपके पास होगा एपिक्स ऑफ द हार्ट पे डबल एपिकल पल्सेशन मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ जर्की कैरोटिड पल्स मिलेगा, और इसके साथ साथ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लड बाहर पुश करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से आपके पास इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आएगा। इसके साथ अब यहाँ पर आपने एक चीज़ डिफरेंस याद रखना है, ये जो आपके पास मर्मर है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का, ये आपके पास एओर्टिक स्टीनोसिस और HOCM में दोनों में सेम हो सकता है, तो आपने इसको डिफरेंट कैसे करना है कि ये डिजीज़ जो है एओर्टिक स्टीनोसिस है या हुकॉम है। तो एओर्टिक स्टीनोसिस में आपके पास क्या होता है, जब आपके पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आप इंक्रीज़ कर रहे थे, इट मीन्स के प्रीलोड नॉर्मली आपके पास 140 ml है, अगर आपने उससे इंक्रीज़ कर दिया, लेट सपोज 180 ml हो गया, तो आपके पास जो मर्मर है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एओर्टिक वाल है वो स्टीनोटिक है, तो जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा उतना ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन करेगा, उसकी वजह से आपके पास मर्मर की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर आप प्रीलोड को डिक्रीज़ करें तो आपके पास एओर्टिक स्टीनोसिस में जो इंटेंसिटी है मर्मर की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में बिल्कुल अपोजिट होता है, अगर आप एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लो तो आपके पास मर्मर की इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। व्हाई, क्योंकि आपके पास जब लेट सपोज यहाँ पर फ्लूइड जो है वो ज़्यादा आ गया, तो जब वो ज़्यादा आ गए तो इस एरिया की डायलेशन हो जाएगी, और फिर आपके पास इसमें आपके पास जो मर्मर की इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी, और आउटफ्लो जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर आपके पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ने आपको डिक्रीज़ कर दिया तो आपके पास मर्मर की इंटेंसिटी जो है वो फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपके पास वेंट्रिकल जो है स्ट्रांगली कंट्रैक्ट कर रहेगा और फ्लूइड भी कम है, तो उसकी वजह से ये आपके पास मोर देन 50% जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस जिसमें हमारे पास प्री लोड इंक्रीज़ होता है, उसमें हमारे पास है स्क्वेटिंग, लेग राइज, लेंग डाउन और वीनो कंस्ट्रक्टर्स, ये हमारे पास प्रीलोड को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर हम प्रीलोड को इंक्रीज़ करें तो हमारे पास हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा, मर्मर जो है वो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन एओर्टिक स्टीनोसिस में प्रीलोड इंक्रीज़ करने से इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और प्रीलोड डिक्रीज़ के जो हमारे पास कंडीशन वो हमारे पास है वीनो डायलेटर, और जब आप स्टैंड अप कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका प्रीलोड जो है वो डिक्रीज़ कर लेगा। तो इन कंडीशन में आपके पास मर्मर जो है HCM में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन एओर्टिक स्टीनोसिस में डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना इनकी डिफरेंस। इसके बाद आपके पास डायग्नोसिस ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो मोस्ट कॉमन जो है वो ECG है। ECG में आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी मिलेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ECG में आप किस तरह डिटरमाइन करोगे कि आपने V1 या V2 में आपने देखना है S वेव को, और V5 या V6 में से आपने देखना है R वेव को। अगर इन दोनों की जो लेंथ है अगर वो आपके पास ग्रेटर देन 35 mm हो तो ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा। दूसरा, आपके पास इन ECGs में ST एंड T वेव चेंजेस भी आएंगे, और इसके साथ साथ आपके पास होगा सेप्टल क्यू वेव एंड इन्फीरियर एंड लेटरल लीड्स। नॉर्मली आपके पास क्यू वेव इतना होता है, लेट सपोज आपके पास एक नॉर्मल ECG है, तो लेकिन अगर आपके पास जो HCM के पेशेंट होंगे HOCM के, उनमें आपके पास क्यू वेव जो है सेप्टल एरिया में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, और वो सिर्फ आपके इंफीरियर और लेटरल लीड में होगा। तो ये आपके पास डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है हाइपरट्रॉफिक। दूसरा, आपके पास वाल्व एबनॉर्मलिटी, तो एको से आपको डिटरमाइन हो जाएगा कि इससे वाल्व एबनॉर्मलिटी भी आपको पता चलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन, सारा कुछ। और लास्ट आपके पास है कार्डियक कैथेटराइजेशन।
सो नाउ हाउ वुड वी मैनेज द पेशेंट विद हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो इन पेशेंट में चेस्ट पेन और डिस्पनिया के लिए हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या हम देंगे डिसोफेरामाइड्स देंगे। इसके अलावा अगर इन पेशेंट में एरिथमियाज डेवलप होगी तो एरिथमियाज के लिए हम एमियोडोरोन देंगे, प्लस हमने एंटी कोआगुलेंट्स भी देने हैं, क्योंकि जब आपके पास एरिथमियाज होंगे फ्लूइड स्ट्रेसेस हो जाएगा वहाँ पर आपके पास ब्लड के कोगुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपके पास सिंकोपी हो तो फिर आपने इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर्स देने हैं पेशेंट्स को। और अगर आपके पास मेडिकल थेरेपी फेल हो जाए तो फिर उसके बाद जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें आपके पास एक है अल्कोहल सेप्टल एबलेशन। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो है सेल्फ इंड्यूस माइकार्ड इन्फेक्शन करवा देते हैं इस लोकल एरिया में। यहाँ पर हम कैडेकेट के थ्रू यहाँ पर अल्कोहल को रिलीज़ कर रहे थे और वो अल्कोहल जो है यहाँ पर इस एरिया में जो है उसकी वो करवा देते हैं, MI करवा देते हैं और ये एरिया जो है ये फिर रिग्रेस हो जाता है। इसके अलावा सर्जिकल मायोमेक्टमी कर देते हैं। इसके अलावा ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर, ताकि वो जो आपका उस दोनों वेंट्रिकल्स है और एट्रियाज है वो एक सिंक्रोनाइज वे में कंट्रैक्शन स्टार्ट करें। और अगर कोई भी थेरेपी काम नहीं करा तो लास्ट जो हमारे पास वो हमारे पास कार्डियक ट्रांसप्लांट। और आपने एक गोल्ड रेड फ्लैग साइन याद रखना है कि वेजोडाइलेटर्स और डिजोक्सिन जो हैं इट शुड बी अवॉइडेड एंड हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सो ये था हमारा हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी से रिलेटेड। आई होप आपको इसमें कोई भी मसला नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।